संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई लक्ष्मण यादव जी। देखिए दो तीन मिनट का समय दिया है और जिग्नेशी यहाँ पर युवा शक्ति के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। अभी मेरठ अभी कुछ दिन पहले जाना इनका हुआ था, मैंने सुना यहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लोकसभा में शानदार तरीके से लड़ने वाले बदायूं के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, अली अनवर साहब हैं और पूरे देश में घूम घूम कर इनकी पोल खोलने वाले सामाजिक न्याय को ठीक ढंग से लोगों तक जनता तक पहुंचाने वाले आदरणीय शरद यादव जी हैं और तमाम कॉलेजों के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर तमाम लोग उपस्थित हैं। हमारे रतनलाल जी, आदरणीय राजीव रे जी, सुधांशु जी और हमारे अमरीश यादव जी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। कई लोगों के नाम ऐसे हैं जिनके मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे गणमान्य हैं जो अलग अलग जगह पर सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं, वो मंच पर उपस्थित हैं और मंच पर नहीं सामने बैठे भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अलग अलग रूप से इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मेरठ यूनिवर्सिटी की बात अभी लक्ष्मण जी ने कही है और इसीलिए दो तीन मिनट एक्स्ट्रा भी इनसे लूंगा कि मेरठ यूनिवर्सिटी और मेरठ जो जगह है वो जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो तथाकथित लोगों ने, मैं गुर्जर समाज से हूं और वो ओबीसी का हिस्सा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, जो मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, उसकी क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल जी को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया जाता है कुछ तथाकथित ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा और नाम किसी दूसरे का रख दिया जाता है। और जब उसकी शुरुआत वहां से होती है और जब आगे बढ़ती है तो कई घटनाएं, कई किस्से हैं जिसकी हम लोग बात यहां पर अभी नहीं करेंगे। सबने रोस्टर की बात की है और इस समय आरक्षण की व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में, तो ऐसा कोई यहां पर विद्वान व्यक्ति नहीं है जिसको ठीक ढंग से उसकी जानकारी ना हो। और मुझसे पहले के वक्ताओं ने यह बात आपके सामने रख दी कि रोस्टर के रूप में आरक्षण को किस तरह से नष्ट नबूद किया जा रहा है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जब 2 तारीख का जिग्नेश भाई ये आंदोलन एससी और एसटी के रूप में जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया सिर्फ उस पे उससे नहीं पनपा, ये लगातार 4 साल से अलग अलग जगहों पर जो जातियां की गई, लोगों को मौत के घाट जाति के नाम पर उतार दिया गया, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। और यह प्रतिक्रिया इस रूप में थी, मैंने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको आरक्षण की लड़ाई को और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको कमजोर करने के लिए कई सौ लोग जिग्नेश भाई आदरणीय धर्मेंद्र जी जेलों में हैं, राष्ट्रकुल में निरुद्ध किया जा रहा है उन लोगों को, जाति और प्रवर्तता की जा रही है जिससे कभी ऐसे लोग सड़कों पर आकर समाज को बुलंद न करें। मैं मेरठ की धरती से हूं, कई सौ लोग लक्ष्मण भाई, कई सौ लोग जेलों के अंदर झूल दिए गए हैं और देखिए साजिश कैसी है इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की। एक सोशल मीडिया पर एक टैग चलाया जाता है कि एससी एसटी के खिलाफ ओबीसी और जनरल का 10 तारीख को बंद। मैं जो बात कहना चाहता हूं उस पे आइएगा, जब इस देश की आबादी का 60% हिस्सा 5000 से ज्यादा जातियां ओबीसी में है और जो जिनको 27% आरक्षण की बात ये लोग करते हैं लेकिन 5% मुश्किल से होगा, और ये साजिश के तहत कई हमारी जातियां, मैंने 5000 से जातियां हैं लेकिन कुछ जातियों की बात करना चाहता हूं, उनको तो यही नहीं पता कि ओबीसी में है और उनके लोग
अभी बेचारे सिपाही और बाबू और चपरासी की भी नौकरी नहीं पाए हैं, उनको लाकर हिंदू और मुसलमान का चश्मा उनकी आंखों पे लगाकर उनको जनरल की कतार में सिर्फ लाठी और डंडे भाजने के लिए अपने आगे खड़ा कर लिया गया। अगर सबसे बड़ी बात कुछ यहाँ पर अभी इस समय आप लोग कर रहे हैं उस शिक्षा में रोस्टर प्रणाली की और आरक्षण की, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कई जगह जाकर मैंने बात बोली है कि अगर सबसे ज्यादा निकटता की बात होनी चाहिए तो आज मैं लक्ष्मण भाई को और यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंच को बधाई दूंगा जिसकी शुरुआत आपने की है, जिससे माननीय ओबीसी और एससी और एसटी के लोग इकट्ठे हो और सही मायने में जिन जातियों को 16 और 18 साल की उम्र में जो बच्चा पढ़ाई की बात करे, जो बच्चा अपने आने वाले भविष्य की बात करे, जो आने वाले समय पर तरक्की की बात करे, उसकी आंखों पर जो हिंदू और मुसलमान का चश्मा चढ़ा दिया गया है, दोस्तों साथियों से सही समझ देकर और सही बात बताकर उसको कहीं ना कहीं इस चीज से अवगत कराना पड़ेगा। मैंने ये बात कही 72 लोगों को राजस्थान में, मैं खुद उस जाति से आता हूं और जो देश की आजादी के बाद लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि हमारी स्थिति बद से बदतर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंडल साहब को जिन्होंने ओबीसी में हम जैसे लोगों को रखा और आज इकट्ठा होने का मौका दिया है। मैं तमाम यहां पर जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, इनसे आशा करना चाहता हूं और इस मंच के फोरम से मैं आशा करना चाहता हूं कि मेरठ यूनिवर्सिटी में लगभग 70 कॉलेज एडेड हैं और लगभग 800 से 1000 कॉलेज सेल्फ फाइनेंस के हैं और पूरा इस दिल्ली के बराबर वाली बेल्ट सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली बागपत मेरठ बुलंदशहर ये पूरी जो बेल्ट है ये पूरी बेल्ट ऐसी है जो दिल्ली में आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकती है और आगे लेकर जा सकती है। जब आप दिनेश भाई मेरठ पहुंचे थे, चौधरी चरण सिंह पार्क में गए थे, मैंने तमाम अपने यूनिवर्सिटी के साथियों से बात कही कि अगर इस आंदोलन को बड़ी आपको धार देनी है तो आपको एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी की उन जातियों को जागरूक करके एक मंच पर बैठाना पड़ेगा जिस तरह से आज ये मंच बैठा है, और तब इस लड़ाई को इस दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों में जो 5000 से ज्यादा जातियां हैं लेकिन उनमें भी जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ पर अकलियत के लोग भी बैठे हैं, अगर ये सब लोग इकट्ठे एक मंच पर आने के लिए आने वाले समय पर हम लोग जो हिंदू और मुसलमान के लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ाया गया है उसको अगर दूर करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाई फोन नीचे, विश्वास इस चीज का हम लोग दिलाते हैं कि जब जब इस दिल्ली में या आस पास कहीं पर आप लोग इस तरह की लड़ाई को बुलंद करेंगे तो हम लोग अपना पूर्णता देने की कोशिश करेंगे और जहां आप कहेंगे किसी भी तरह की लड़ाई बौद्धिक हो तो बौद्धिक और अगर सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे और कितनी भी ताकत के साथ लड़नी पड़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया लक्ष्मण भाई और सभी साथियों का, और फिर जिग्नेश भाई आदरणीय धर्मन जी से आग्रह करूंगा कि आप लोग घूम घूम कर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत इंकलाब जिंदाबाद।